दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल पड़े हैं। पिछले कई दिनों से मैंने लॉन्ग वीडियो एक भी नहीं डाला और शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाला है, तो आज से रेगुलर एक वीडियो आएगा, लॉन्ग वीडियो। पर आज से वीडियो के मतलब इस वीडियो के बाद के वीडियो की लैंग्वेज चेंज होने वाली है। अभी मैं हिंदी में व्लॉग ना बना के गुजराती में व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो इसके बारे में मेरे को सजेशन देना। जो भी भाई लोग देख रहे हैं, मेरे बहन लोग देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे को सजेशन देना कि मेरे को हिंदी में बनाना चाहिए या गुजराती में बनाना चाहिए। बाय द वे, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल द इंडियन व्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों, मैं ऑफिस से घर आ चुका हूँ कब का, पर घर आते आते अंधेरा हो गया और अभी थोड़े दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गया एक्चुअली मैं घर आने के बाद में। तो घर आने के बाद में थोड़ा बहुत काम था जो निपटाया मैंने, और उसके बाद मैंने आज कुछ स्पेशल ऑर्डर किया है, क्योंकि बंसी, उसकी मम्मी और निकुल तीनों गए हैं कल घर। तो मैंने दाल बाटी ऑर्डर की थी, वो भी मैं आधी खा चुका हूँ और तब मेरे को याद आ रहा है कि वीडियो बनाना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको दाल बाटी, मतलब मेरे दोनों को मिक्स करके एक तरफ जमाया हुआ और चम्मच से बैठे बैठे खा रहा हूँ। पर पिताजी छाछ है और ये एक चूरमा का छोटा सा लड्डू दिया है राजस्थान होटल वालों ने। यहाँ पर बहुत फेमस होटल है राजस्थान होटल, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, तो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, चार बाटी आई थी और ये कंटेनर पर के दाल आई थी, ये छोटा सा लड्डू, साथ में इसमें थी लहसुन की चटनी, उसमें था नींबू प्याज, जो कि प्याज तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये रखी हुई छाछ और ये रखा हुआ राजस्थान होटल का बैग, दाल बाटी चूरमा स्पेशलिस्ट गांधीधाम भुज, नीचे नंबर भी है लिखा हुआ, लिखा है किकर होसा, मतलब क्या कर रहे हो ऐसा। और ये मेरा हिंदी का लास्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हो, अगर ज़्यादातर वोट रहे हिंदी के तरफ और ज़्यादातर वोट रहे, या फिर ज़्यादातर रहे वोट गुजरात की तरफ, तो जो ज़्यादातर वोट रहेंगे उसी लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाना चालू करूँगा। एक्चुअली मैं बहुत दिन से मैंने वीडियो बनाया नहीं था कुछ रीज़न के कारण, तो ये वीडियो आपको कल यानी कि बुधवार को देखने को मिलेगी। मैं पूरा वीडियो एडिट करके फिर अपलोड करके फिर सो जाऊंगा, और मैं लगभग कल तो पूरी रात सो ही नहीं पाया ऐसा था। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, खाना खा लेता हूं और उसके बाद में मिलता हूं। दोस्तों, खाना खाने के बाद में मैं एक्चुअली नहाने चला गया था, तो नहा के जस्ट आ चुका हूं। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है, पर बैठा हुआ हूँ, पहले तो पैर को गर्म कर रहा हूँ क्योंकि पैर हो चुके हैं ठंडे, इसलिए पैर को गर्म करना ज़रूरी है, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अगर सर्दी लग गई तो फिर पूरी ठंडी परेशान करेगी, वो मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरे को सर्दी ऐसे ही लगती है, जब एक बार लग जाती है तो पूरी ठंडी परेशान करती है, तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। तो सबसे पहले पैर को गर्म कर रहा हूँ ऐसे नीचे रख के, ये देखो, देख रहे हो, ऐसे ये जो कंबल है उसके नीचे रख के, मतलब ये जो पैर का ये वाला भाग है इसको गर्म कर रहा हूँ सबसे पहले, तो ये गर्म हो जाएगी, बाद में कंबल उठ के सो जाएंगे, सोते सोते काम करते रहेंगे एक्चुअली में। और जैसा कि मैंने बताया आपको सुबह में भी और अभी खाना खाते समय, कि ये मेरी लास्ट हिंदी की वीडियो होने वाली है। अगर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि मेरे को हिंदी करना चाहिए गुजराती, अभी देखो जिसमें ज़्यादा कमेंट आए होंगे हिंदी में तो हिंदी करूँगा, अगर गुजराती में तो गुजराती करूँगा। पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे को गुजराती में करना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो आज के व्लॉग को बस यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, वो गुजराती में रहेगा कि हिंदी में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल द इंडियन व्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।